शिव शंभु 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 शिव शंभु 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 शिव शंभु 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 शिव शंभु 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 रिहर्सल भी करनी पड़ेगी, प्ले भी करना पड़ेगा। ओके मैम। और बेस्ट फ्रेंड्स भी बनना पड़ेगा। ओके मैम। चलेगा? यस मैम। चलो फिर स्टोरी सुनते हैं। तो ये कहानी है शिव्या और उसके दोस्तों की, जिसमें थे उसके दो भाई कुश और अर्जुन और गायत्री जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। शिव्या भी तुम लोगों के जैसे प्लेस करती थी और उसकी एक नाटक की कंपनी थी। वो इतने अच्छे प्लेस करती थी कि सबको उसके प्लेस बहुत पसंद आने लग गए। वो ना इंडिया के कोने कोने में अपने प्लेस करना चाहती थी। पता है शिव्या एक बहुत बड़ी शिव भक्त थी। शिव जी बस उनके डिवोशन, उनकी भक्ति, उनके प्रेम का प्रतीक। और उस दिन वो चारों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। नहीं कौन? उसका नाम था धूरी। धूरी वो खुश इसलिए नहीं थी कि शिव्या ने धूरी को काम से उसके कंपनी से निकाल दिया, क्योंकि धूरी ने पैसे का कुछ गफला भी किया था और धूरी शिव्या को पसंद नहीं करती। धूरी को लगता था कि जब तक शिव्या है तब तक उसकी तरफ कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग शिव्या को ही पसंद करते थे। तो वो थोड़ी सी जेलस थी। अच्छा नहीं किया शिव्या ने मेरे साथ। गड़बड़ तो तूने ही की थी ना। अरे थोड़े बहुत पैसों की गड़बड़ कर दी तो क्या मुझे नाटक कंपनी से निकाल दिया? एक हफ्ता जब हर नाटक की हीरोइन नई हुआ करती, लोग मेरे कितने दीवाने थे, और एक आज शिव्या, शिव्या भूल जा शिव्या को, कुछ और काम ढूंढ। भूल जा? मैं नहीं, ये नाटक कंपनी वाले शिव्या को भूलेंगे। उसे जाना ही होगा, बहुत दूर जाना होगा। तो यहाँ ये चारों तो इतने खुश थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, और वहाँ धूरी के दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा था। क्या प्लान? बताती हूँ। धूरी प्लान कर रही थी कि कैसे शिव्या को वो उसके फ्रेंड से अलग करे और उसकी कंपनी बंद पड़ जाए। कैसी है गायत्री? मैं ठीक हूँ। इस नाटक कंपनी की सबसे अच्छी डांसर है तू, लेकिन रोल तुझे छोटे छोटे से ही मिलते हैं। पिछले महीने गायत्री ने लीड रोल किया था। क्या किया था? सिर्फ 3 शोज और बाकी तो सारे शिव्या शिव्या
शिव्या आप कहना क्या चाहती हैं? और हमें यहाँ क्यों बुलाया है? कब तक अपनी बहन के पीछे चलेगा? कुछ अपने भी सोच बेटा। गायत्री चल यहाँ से। बहुत सीधी है तू गायत्री, ये भाई बहन तो एक हो जाएंगे, पर तेरा क्या होगा? इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि इस नाटक कंपनी में चल क्या रहा है? जा रही हूँ मैं, लेकिन शिव्या को कह दियो, भूलूंगी नहीं मैं उसे कभी। धुरी के दिमाग में चल क्या रहा है? ठीक ही तो कह रही है धुरी। क्या बोल रही है गायत्री तू? ये कंपनी तेरी, शिव्या की और अर्जुन की तो है, मैं तो सिर्फ एक डांसर हूँ। गायत्री पिछले 5 साल से डांस कर रही हूँ, लेकिन खड़ी तो हमेशा पीछे रहती हूँ। अगले महीने जो शो है उसमें तेरा लीड रोल है, तो मुझे पीछे खड़ा कर देना एक बैकग्राउंड डांसर की तरह। क्या बोल रही है गायत्री तू? तो जा यहाँ से। शिव्या तेरी बेस्ट फ्रेंड है। प्लीज, तो फायदा भी तो बेस्ट फ्रेंड्स का ही उठाते हैं ना। तो क्या गायत्री और शिव्या अलग हो जाते हैं? उनकी नाटक अपनी बंद तो नहीं होती ना? सुन, वो भोपाल वाले शो का क्या हुआ? हाँ हाँ, नेक्स्ट मंथ कंफर्म है, मेल भी आ गया मेरे पास। क्या बात कर रहा है? हाँ। कंफर्म हो गया? हाँ। शिव जी की कृपा। और सुन, लद्दाख जा रहा है 15 दिन के लिए, वहां जाके मस्ती मत करना, समझा ना? काम पे ध्यान देना। मैं लद्दाख फेस्टिवल की प्लानिंग के लिए जा रहा हूँ, मजाक मस्ती करने नहीं जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, नवंबर में वहां मुझे फेस्टिवल चाहिए बस। ओए, इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है? मॉर्निंग में बताया था ना। क्या बताया था? वो दूरी वाली बात। हे भगवान, तू दूरी को इतना सीरियसली क्यों लेता है? दूरी कुछ गड़बड़ कर सकती है। हे राम, तू इसे भी बता दिया? वो बहुत कुछ उल्टा बोल रही थी। तो क्या हुआ बोल रही थी? तो बोलने दो उसे, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या कर लेगी, मारेगी मुझे? मुझे कुछ नहीं होने वाला, पता है क्यों? क्योंकि ना मेरे पास मेरे डॉक्टर है, मेरे शिव जी, कुछ नहीं होने देंगे मुझे। वो गायत्री को भी भड़का रही थी आपके बारे में। गायत्री मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो धुरी को जानती है। क्या, क्यों चिंता कर रहे हो तुम लोग? तू जा, लद्दाख जाने की तैयारी कर ले। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। समझा यार इसे, अगर मुझे मारेगी भी ना तो भी कुछ नहीं होने वाला मुझे, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास एक सीक्रेट रेसिपी है। पूछो ना। क्या? अरे पूछना। क्या रेसिपी है? महामृत्युंजय मंत्र, पता है? बाकियों के लिए तो पता नहीं, पर मेरे लिए हमेशा काम कर सकता है। ओ, शिव्या और शिव्या के शिवजी। अच्छा, यही बैठे रहना है, कुछ काम भी करना है? अंकल जी का फोन आते जा रहा है बार बार। महाशिवरात्रि की तैयारी नहीं करनी? इस बार मुझे ऐसा बड़ा सा सेलिब्रेशन चाहिए, है ना? जाओ काम पे लोगो, मुझे भी कुछ काम करने दो। जाओ। हाँ हाँ जा रहे हैं। फिर क्या हुआ? धुरी गायत्री को झूठ बोलकर शिव्या को मेले में ले जाती है, और वहां पर चली जाती है, डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं, तो अर्जुन और गायत्री शिव्या को घर ले आते हैं। उस वक्त कुछ भी वापस आ जाता है। यार 15 दिन हो गए, शिव्या कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, पर डॉक्टर भी कुछ आंसर नहीं कर रहे। सारी गलती मेरी है, मुझे शिव्या को उस दिन अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था।
पता नहीं मैं धुरी की बातों में क्यों आ गई। शिव्या ही तो मुझे इस थिएटर कंपनी में लेकर आई थी और मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया। शिव्या ठीक तो हो जाएगी ना? हमें शिव्या के लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना होगा। मुझे कुछ नहीं होने वाला। पता है क्यों? क्योंकि ना मेरे पास मेरे डॉक्टर है, मेरे शिव जी। पता है मेरे लिए हमेशा काम कर सकता महामृत्युंजय मंत्र। शिवरात्रि आ रही है, उसकी तैयारी करते हैं। शिव्या का डॉक्टर मिल गया। अर्जुन तू एक काम कर, सभी बच्चों को इकट्ठा कर ले, शाम को मिलते हैं फिर। क्या कह रहे हैं? ठीक है। शिव शंभु 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 शिव शंभु शंभु शंभु। कण कण है तू ही, कंकण है तू ही, लोक तीनों ही तू। काशी कैलाश में, गंगा में, प्यास में, कुछ नहीं तो भी तू। तू तो हर जगह, तुझसे दरस को मैं क्या कहूँ। तू सब जानता, तुझसे मैं दुख अब क्या कहूँ। ओ हर हर शंकरा, शंभु 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 शंभु